एक्टिविस्ट वेद यूट्यूब चैनल में अपने सबके स्वागत है। हम ही है वेद प्रकाश। सबसे पहले हम अपने सबके धन्यवाद देवे चाहिए कि हमारे चैनल में 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो गए, 1 करोड़ 10 लाख लगी। तो हर सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और 70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए। खास करके मघी वाला वीडियो हम जब डाले तो बहुत लोग पसंद कर रखे हो, लेकिन हम धन्यवाद दिए खास करके नवादा और आसपास वाला जो मगध क्षेत्र है वहाँ के लोग बहुत देखा कि मगही वाला वीडियो। तो आज हम सोचली कहे ना मघी में इंटरव्यू ले लिए। तो ये हमारे देश में लगा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मघी में इंटरव्यू हम लेवल जा रहा है वो हमारे चैनल में चलतो। तो अब हमारा साथ हकीन अनामिका पासवान। अनामिका जी हकीन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मांझी जी जो पटिया है उनकर ओकरा में महिला प्रकोष्ठ है ओकरे खाकिन अध्यक्ष प्रदेश बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हकीन उनके से हम बात करबे। आज जे मानव श्रृंखला यहाँ हले बिहार में जकरा में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जो आंदोलन चलावल जा रहे नीतीश जी के द्वारा, एकरा पहले भी मानव श्रृंखला बिहार में होले हल जकरा में पिछले साल शराबबंदी खिलाफ हले, लेकिन अभी महिला का मुद्दा है खास करके ये जो बाल विवाह है और दहेज प्रथा है। तो हम सोचलिए कि भाई कोई महिला से बात कर जाए, आज मघिम बोलथिन तो और बढ़िया बात है। तो अनामिका जी अपने भी हलखिन आज श्रृंखला मानव श्रृंखला में खड़ी हलखिन, तो की संदेश देवे चाहखिन अपने जी? सबसे पहले हम तो सबके प्रणाम कर रही हैं जहाँ जहाँ तक हमारा आवाज जा रहा है सब सुनथिन कि आज मानव श्रृंखला के दिन बिहार सरकार ने पूरा जितना भी हमार महिला समाज है ओकरा सशक्त करे लगी। दहेज प्रथा कानून के जे पालन नहीं हो रहे है हम लोग के बीच में ओकरा चलते कितना बहु बेटी के हत्या कर दिल जाए है, जान लेवल जाए है। वही दहेज प्रथा के रोके ले आज हम आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हकीन उनके साथ खड़ा हो लिया है और उनके द्वारा पूरा संदेश आज गेले है पूरे बिहार और भारत में और पूरे अंतर देश में यानी सभ्य देश में चल गेले है कि आज के बाद बिहार में दहेज लेना और देना दोनों पाप होते और बाल विवाह जो होबा है ओकरा से हमार लड़की के बड़ी नुकसान होबा है। एक तो कम उम्र में शादी हो जाए और कम उम्र में शादी होवे के वजह से कम उम्र में बच्चा हो जाए तब बच्चा और माए दोनों स्वस्थ नहीं रहे, कितना के उसी समय मौत हो जाए जेकरा बेड डेथ कहे है और वो बेड डेथ रेशियो भी घटते अगर हम बाल विवाह अपन लड़की के ना करेंगे। तो अपने नर्सिंग होम चलावा थी ईश्वर दयाल नर्सिंग होम पटना में अपने है, तो ओकरा में इस तरह केस आवा है कि बाल विवाह वाला प्रेग्नेंट हो जाथिन तो दिक्कत हो जाए? हमार हॉस्पिटल ईश्वर दयाल मेमोरियल हॉस्पिटल है और ओकरा में हम एक दू गो केस देखलिए है जेकरा में 16 साल के एगो महिला के बच्चा होवे वाला है और 14 साल में ओकर शादी होला है और ओकरा इतना दिक्कत होला है कि बच्चा के बचाए में 4-4 डॉक्टर लगल हले और तब भी हम बच्चा के ना बचा सकलिए हल। उस समय हमरा बड़ा दुख होला है कि अगर ये लड़की के बच्चा 20 बरस के बाद होता है तो आज वो बच्चा स्वस्थ रहता है और कोई भी बच्चा हमारे देश के भविष्य होवे है और चाहे लड़की हो या लड़का अगर बच्चा है तो ओकरा स्वस्थ करे लिए जरूरी है कि जे भी महिला है वो शादी एकदम 18 में अपन बेटी के करावे और जो भी पिता है भाई है सब सोचे ही बात पर कि अगर हम अभी कम उम्र में शादी कर देवे खिच्चा उम्र में तो जैसे हम लोग कच्चा अमरूद खाइए अगर फल से तोड़ लेवल जाए पेड़ से बिना पकले तो ओकर को मोल खत्म हो जाए। वही बात है कि बाल विवाह के बाद माने कि बाल विवाह हम 14-13 साल में विवाह करवे कराखिन 2-4 साल और रुक जाते। हाँ अगर अगर मान लो 14-15 हो गए तो 2-3 साल रुक के में कोई हरज ना है और अभी बिहार सरकार तो एकदम फ्री में हमार मांझी साहब कहलखिन की लड़की सबके फ्री में पढ़ाई अभी सरकार दे रहे है वो नियम कर बना के गेलखिन है तो की दिक्कत है की अगर 2-3 साल पढ़ लेते मैट्रिक इंटर कर लेते ताकि अपन अपना भी भविष्य बने अपन बच्चों के भविष्य बने। आरक्षणों महिला देवल जा रहे बिहार में अब पीडीएस वाला जो जन वितरण प्रणाली दुकान हुआ है ओकरो में 35% आरक्षण महिला देवल जा है। तो आजकल जमाने हो गए महिला के। हाँ महिला के जमाना तो है ये है ओकरा में कोई दुमत ना है लेकिन कोई कोई अभी माँ बाप हकीन जो बेटी बेटा में फर्क रखा है। हमारा कहना है कि दहेज देवे लगी ही सहेज के रखा हकीन पैसा अगर ये दहेज अपन बेटा ले नहीं लेते तो उन खरों बेटी के नहीं देवे पड़ते थे। समाज कितना अच्छा हो जीते कि ना दहेज लेते ना देते ना केकरो बेटी के और बहू के हत्या होते और ना ओकर पति और ससुर सब जेल जेते। कितना एकरा ले दहेज के चलते विवाद होवा है। आज के समय में लड़की सब इतना सशक्त हो रहे ओकरे लिए सरकार इतना नियम कानून बना रहे। देखल जाए कई बार जब बेटी ब्याह रहा है
तो दहेज बड़ी खराब लगा, बोल दहेज प्रथा बहुत गलत है। लेकिन जब वही आदमी के बेटा के ब्याह करे रहा है तो बड़ी उछलत रहखिन, बोल हमारा नहीं, इतना दहेज चाहिए। एकरा में है कि अभी जैसे शादी करखिन तो बड़ी ठाठ बाट से शादी करे ले, अगर लड़का के पिता है तो सोचा खिन कि जितना हमर 10 लाख 20 लाख खर्चा होते वो सब लड़किए वाला दे, जेवर लड़किए वाला दे, और जितना कपड़ा लगता है सब लड़किए वाला दे, ओकर बाद जो हनीमून तक के खर्चा जो है बेटिए वाला के देवे पड़ा है, ओकरा चलते ही हमारे समाज में जो है दो तीन चीज ओकरा से बुराई हमारे दिखा है। एक तो पहला ये है कि अगर जे पिता के अगर 2 लाख में शादी करे ले है सोच ले अखिल, ओकर एस्टिमेट 5 लाख भाग जाए तो सोचा कि कितना उनकर पिता कर्ज में डूब जाए, और ये बात जब बेटी के मन में रख के ससुराल जाए है तो ससुराल वाला के मन में आवा है कि हम एकरा से दहेज ले ली है और भी कुछ ले लूं, लेकिन वो बेटी सोचा है कि एक हमारे बाप के कितना कष्ट से पैसा देके हमारा शादी करे ला कि एकरा सबके हम बदला ले मैं बता। अनामिका जी एक चीज देखल जाए, अगर अमीर आदमी की बात करल जाए तो एक दहेज एक दिखावा बन गए, ओकरा अंग्रेजी में स्टेटस सिंबल बोला है। हाँ कि बल हम अपने बेटी के इतना दिलिये जे देख पूरा दुनिया के दिखावा अखिन। लेकिन यह जब गरीब आदमी की बात करिए तो गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा दंश है दहेज। अरे हमारा कहना है वो चाहे मर्सिडीज हो आ कि मोटरसाइकिल हो आ कि कार हो आ कि हेलीकॉप्टर हो आ कि साइकिले, जेकर जे लेवल है वो अपन लेवल में दहेज लेवे ले चाह। आज हमारे मांझी जी हमारा बतेलखिन कि हमारे शादी में हमारा एगो लोटा थारी मिल रहा पीतल के, आ एगो पीतल के लोटा आ एगो पीला धोती, यही हमारा दहेज में मिल रहा है। एकरा दहेज नहीं कहल जा सके। हाँ ये दहेज नहीं होले, दहेज होले कि जबरदस्ती मांग रहे लड़का वाला, और एगो बोले कि हमर बेटी जा रहे है तो जरी अच्छा से नया नया ओकरा सामान रहे, तो कोर्ट भी कहल रहे, न्यायालय भी कहल रहे, कपड़ा रहे, माता पिता या कोई परिवार प्यार से प्यार हाँ, से कोई गिफ्ट प्यार से गिफ्ट दे रहे कि न कि हमर बेटी जैसे भी हमर भारतीय परंपरा में एगो रिवाज रहे कि कोई जब जाए कहीं तो ओकरा गिफ्ट दे रहे। तो ये जब दहेज है गिफ्टे के रूप में है, कहल जाए कि शिव और पार्वती के जब शादी हो रहा है, शिव भगवान के भी जो दहेज प्रथा के शुरुआत है वो शिव भगवान के नंदी गाय कहल देखिन, ये हम सुनलिए हैं कि ऐसा धार्मिक कथा में है। लेकिन वही बात बढ़ते बढ़ते आज ये दहेज इतना हमर समाज के एकदम दीमक नियर चाट रहे है कि लड़का और लड़की में फर्क ये दहेज के कारण है। जिस दिन दहेज प्रथा खत्म हो जाती लड़का और लड़की के फर्क भी खत्म हो जाती वही पर हम बाल विवाह की बात करिए तो पहले जो अनुसूचित जाति जो वंचित वर्ग हलखिन तो उनका में ये चीज हल कि अगर बुतरू ब्याह कर दिलखिन कहे कि सोचा लखिन बल हमारा बेटी सियान हो जाते तो बल जो सामंती ताकत बदमाश लोग हकीन गुंडा मवाली लोग उनकर गलत नजर पड़ते वहल ब्याह कर देखिन पहले। अब पहले तो यो हो वाले कि अभी दू गो दोस्त हकीन अपने जात के दोनों पत्नी पता चल रही गर्भवती है एगो नहीं भी है तो कहलखिन बल हमार बेटा हो तो तोर बेटी हो तो ब्याह कर देवे, चाहे तोर बेटी हमार बेटा हो तो ब्याह कर देवे, तो ऐसा भी चल रहा पहले। हाँ हाँ हमार जो समाज है भारतीय समाज में हमें बहुत सारे हर 10 कदम पर प्रचलन बदल जाए है, हर 10 कदम पर बोली बदल जाए है, और आज भी हम लोग के बहुत ऐसा है समाज में दलित समाज में खासकर कि वो बच्चन में इसलिए शादी कर रहे हैं कि बच्चा के शादी कर देवे हम फिकिर हो जाए कि हमार लड़की के कोई इज्जत ना लूटे, कोई बर्बाद ना करे, खेत बिहार में काम करे जा ले, घर में अब ओकर शौचालय तो रह ले बाहर शौच करे जा ले, वो आज भी हो रहे है। लेकिन आज थोड़ा सा कानून सख्त होले है लड़की ला, इसीलिए कानून में थोड़ा सुधार तो होले है लेकिन हमारे समाज के सोच में सुधार नहीं होले, थोड़ा सा सुधारे के जरूरत है हम लोग सबके मिल के कि समाज में लड़की के जो ब्याह हो जा ले 10 बरस में 9 बरस में ओकरा से बहुत सारा चीज निकल के अले है कि ओकरा सो बोल है कि अगर कोई लड़का की मौत हो गए तो विधवा हो जाए ले, और विधवा हो जाए के बाद ओकरा जीवन भर मतलब सादा खाना खाए के हले, सादा मतलब ओकर जीवन की उमंग खत्म, ये हमरा सोच के आज ये डर लग समाज जबरदस्ती थोपा हलखिन। हाँ थोपा हलखिन, और एकरा से बहुत सारे एगो बलि बलि पर प्रथा हले कि सती हो जाना है औरत के अगर ओकर पति मर गए। अरे एगो हम कहानी में देख ली है कि 10 बरस के बच्चा और ओकर पति 50 बरस की उम्र गेलखिन तो ओकरा साथे सती करे ले ओकरा खड़ा कर दिलकल, जेकर बड़ी पुरजोर विरोध होल पहले तो अपने वकील हकीन। हाँ। तो अगर बाल विवाह होते हमनी अगर देखिए कजो हमनी पुलिस पुलिस के खबर करिए तो हम खाली खबरें करे तक रही कि बाद में भी बहुत आदमी डरा हकीन ने कि पुलिस पुलिस के मामला में नहीं पड़ना है। नहीं नहीं एकरा में पुलिस के मामला में डरे के बात नहीं, कोनो बात नहीं है,
महिला के लिए बहुत सारा हमारे देश में कानून आ गए, महिला आयोग है जो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर ले, उनका लिखित दे सक हकीन। ओकर बाद है कि महिला हेल्पलाइन चल रहे है वहाँ दे सक हकीन। और थाना में भी हर जिला में महिला थाना बनावल गए हैं ताकि अगर औरत और महिला सुरक्षित अपने के नहीं महसूस कर रहे जनरल थाना में तो जाके महिला थाना में अपन शिकायत दर्ज करा के। और आजकल तो बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर दिल गए जो हर जगह बोर्ड पर लिखल रहे, कहीं उठा के आप नंबर से फोन कर देथिन तो ओकरो पर कार्रवाई हो सके है। ये हर जगह के एसपी कहले पिछले बार साल की बात है, नवादा सोभिया पर एगो मंदिर है, वो जब खूब विवाह हुआ है, शादी विवाह होते रहा है, तो वो जब बाल विवाह हो रहा है पुलिस गलखिन वजह देखलखिन बल बाल विवाह हो रहा है तब पुलिसिया पकड़थिन की पुलिसिये के रगेत दिलखिन लड़किया के माए बाप और लड़कवा के माए बाप। अब देखो ऐसा है हमारे समाज के सोच की अब केकरो शादी हो रहा है तो इस समाज के जब तक सोच नहीं बदलती तब तक कानून कुछ नहीं कर सके। कानून तो 61 में बन ले, आज 60 साल 70 साल होवे जा रहे हैं और ओकर बाद भी दहेज प्रथा घटे के बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 में बन ले, घरेलू हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ओकर दुए कारण है, एक तो बाल विवाह होवे की होवे, अब नौकरी वाला लड़का है कम उम्र में लड़की की शादी कर दिल के, अब शादी करे के बाद लड़की या लड़का के एक मतलब एक दशक के फर्क रहे 10 से 12 साल के। हमरो माए बाप के शादी हो रहा तो हमारे माए बतल की हमारे 14 साल के उम्र हले आ हमारे पापा हलखिन 22 बरस के नौकरी कर रहा हलखिन, तब 28 बरस के लगभग 12 बरस के हमारे माए बाप के अंतर है। तो जब अंतर हुआ है उम्र में तो सोच के फर्क हो जाए वही पति पत्नी में आगे चल के नहीं पड़ता है। यह बात के समाज की बेमेल शादी एक हाँ बेमेल शादी हुआ है अगर 12 बरस के फर्क रहे तो। मांझी साहब भी बतलखिन की उनखरों बाल विवाह हो रहा 10 बरस के उम्र रह जब उनकर शादी हो रहा। लेकिन लड़कवन के की कहल चाहो, ये जो लड़कवन आजकल के बड़ी जागरूक बनाखिन, अब सोशल मीडिया में बड़ी अच्छा अच्छा बात लिखाखिन, लेकिन जब ब्याह करे बारी आवा तो ओहो चुपचाप रहाखिन। जब भाषण देवे के है तो कोई भी भाषण कहाखिन बल हम नहीं ले लिए दहेज, माई बाबूजी ले लिए, माई बाबूजी ले लिए। लेकिन पति के सोचे पड़ते की जो पति बने जा रहा हसबैंड जेकरा कहे ओकर हंसी पर बैंड लगावे ले पत्नी आवे इहो सोचे पड़ते। अगर ओकर बाप से दहेज वसूल बा तो वही पत्नी तोर माथा पर चढ़ के वसूल। तो अपने अरे लव मैरिज कलखिन इंटरकास्ट में दूसर जात से ब्याह कलखिन हाँ। तो ये सब अगर अखने कोई गांव में कोई लड़की सोचते कि हम दूसर जात के लड़का से ब्याह करिए तो देखो कितना तो ऑनर किलिंग हो जाए है। हरियाणा हरियाणा में तो ऐसे न हो जाए लड़कियाँ बिहारों में हो जाए और समाज के नजर में लगा है कि वो सब कौन बड़का पाप कर दिल के। तो अपने कई साल पहले अंतरजातीय विवाह कलखिन जैसे तो हम 2010 में शादी के लिए, लेकिन ओकरा में एगो बात है कि अगर बेटी और जे बेटी है जो चाहे है कि हम अपन पसंद के लड़का शादी करिए तो वो ओकरा करके दिखावे पड़ते कि अपन पैर पर उखाड़ा है ताकि समाज में ओकरा कोई कह नहीं सके कि जाके बर्बाद हो गए। यही चिंता माए बाप के रहा है जो माए बाप रोका है कि अंतरजातीय विवाह तो समाज पहले पुराना जमाना में जात से बाहर दे रहे ओसन कोई बात नहीं। हम वकील हलिए, हमर पति डॉक्टर हलखिन, दोनों शेड्यूल कास्ट हलिए, शादी कर लिए। बाबा जी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कह के भी गलखिन है कि अगर शेड्यूल कास्ट हमारे देश में जात तो बाबा साहेब नहीं कहलखिन कि इतना जात है तुम जाते में बट जाओ, वो तो वर्ग बांटलखिन। जे वर्ग हले तो हमें दलित वर्ग से ही है तो हमारे दलित वर्ग में 22-23 जाति है तो अगर रोटी और बेटी के संबंध रख लेवे तो हम लोग में एकता रहते माने कि दलित जो हकीन आपस में ब्याह करते पसमान पार्टी से चमार दुसाद अगर शादी करती तो आज जे जात के नेता बना है फलना जात फलना जात फलना जात के नेता वो है तो फलना जात के वो नेता आप पूछा कि वो जात के नेता तोरा की खाए ले दे है खून लव मैरिज करके आओ अखिन गाँव में दूसर जात से कहीं कहीं अगर माए बाप भी तैयार हो जाके तो जे औरतिया नहीं पढ़ल भी रहा अखिन वो अगरा ऐसे देखा कि लगा कि कौन बड़का पाप करके अलखिन आई आई कितना होशियार हखिन नहीं नहीं खूब खिस्सा गलवात हो गया। लव मैरिज करे वाला अगर सक्सेस हो जाए तो वही समाज के सुधार सका है। ई नहीं कि हम बस प्यार कर लू शादी करके भाग गए फिर हमारा लड़का छोड़ देला कच्चा उम्र में सब हाँ कच्चा उम्र में जैसे जब लड़की इंटर में रहा है तो ओकरा टीनेज में रहा है लड़की उस समय बड़ी सोच समझ के शादी के बात पर बहुत सोच समझे के समय है। ई नहीं कि हाँ हम उतावला होके कर ले लू फिर लड़कियों के तो सोचे पड़त कि हम जो शादी कर रहे हम अपने पैर पर खड़ा होके अगर शादी करवे आज केकरो औकात नहीं है कि हमारा कोई नीचा नजर से देख सकते। अच्छा नीतीश कुमार लगातार सामाजिक आंदोलन कर रहे एक तरह से मुख्यमंत्री होके तो एगो भ्रूण हत्या पर भी एक मानव श्रृंखला नहीं होवे के चाहिए। भ्रूण हत्या
सबसे बड़ा समस्या है अभी हमारे अपने समाज के। डॉक्टर मतलब परिवार से हो गलखिन, इसलिए हम ये चर्चा भी रख लिए कि नर्सिंग होम है अपने के। नर्सिंग होम है और बहुत हमरा से औरत बानी पूछे अब है कि बउआ जरी चेक करा दा हमार पुतहु के, तो हम कह दें कि ये चेक करना कि लड़का है कि लड़की, बच्चा पैदा होने से पहले ये कानूनन अपराध है और पाप है। अगर कोई बच्चा के अगर हमारे एगो और हकीन भैंसुर डॉक्टर हकीन हो एगो बच्ची के 6 या 7 महीना 6 महीना में कल के कि हटा दे हमारा बच्चा ना रखे कि लड़की है, और वो सब का होले कि बच्चा होवे के बाद उसे चल के बच्चा बढ़ गए और सब भाग गए पैसों नहीं दिल कि लड़की है, लेकिन ये हमार भैंसुर के खाली मालूम रहे कि लड़की नहीं लड़का ले, ताकि कितनों खोजते रहे फोन करते वो लोग ना अले कि लड़की है वो लड़का आज पल रहे आज 3-4 साल के वो बच्चा। हम यही कह चाहिए आज कि हम एगो लेखनी लिखलिए है कि नारी नर के धाय नहीं और बिना सिंह के गाय नहीं, नहीं किसी की दासी है वह तो रानी झांसी है, बहस करो मत बाधा दो अब इसको भी आधा दो, इसके बिना विकास नहीं और नए राष्ट्र का निर्माण नहीं। यह हमारा संदेश है कि आज के युग में बेटी और बेटा बराबर है, अब बेटी तो बेटा से बढ़ के सुख दे है, तन सुख भी दे है, धन सुख भी दे है और मन सुख भी दे है, इसलिए बेटी के हर घर में मान और सम्मान मिले, बाल विवाह पर रुकावट हो और दहेज लेना और देना दोनों पाप माने तभी हम लोग का समाज। दारू नहीं पीते सर? नहीं, दारू तो एकदम नहीं पिए के है, काहे कि दारू पिए से तो बड़ी नुकसान हो जीतो भाई। अभी जब बिहार में धारा बहले कहले कि सूर्य अस्त और बिहार मस्त, इतना दारू के धारा चला ले, लेकिन 2015 में ये कानून आ गए है जे पोलोथीन 10 रुपया में खरीद के पिया हल्किन अपन पत्नी के गरियाव हल्किन वो बंद हो गए, लेकिन वही आजकल ब्लैक से 20 रुपया के चीज 200 रुपया में 500 रुपया में मिल रहे है, अब पिए के बाद वो पकड़ा हकीन तो जेल चल जा हकीन, जेल जाए के बाद उनकर बच्चा उनकर बूढ़ी माए उनकर पत्नी के देखे वाला कोई नहीं, बात तो समझे पड़ते कि समाज में और खासकर हमारे दलित समाज में के भाई लोग हमारे अगर आवाज सुन रहे हैं तो कोई कीमत पर शराब के हाथ ना लगाए भाई, चाहे कोई फ्रीओ में पिलावे तो ना पिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ये पूरा वीडियो देखे ले, अगर ये बातचीत अच्छा लगले और इस बातचीत में बहुत संदेश हल, खास करके जो हमारा मगही समाज के लोग हैं, कई जिला है जहाँ मगही बोलल जाए, जमुई नवादा औरंगाबाद जहानाबाद पटना बिहार शरीफ ऐसा कई जिला अरवल वगैरह सगरो, तो जहाँ मगहिया समझाखिन वहाँ जहाँ जहाँ तोहर रिश्तेदार हकुन, अगर एक संदेश बढ़िया लगलो तो सगरो भेजल करो ये वीडियो हमारे चैनल वा सब्सक्राइब कर दिया, ओकर बगल में हो तो घंटी घंटिया कैसे टिप दिया टन से, और ये वीडियो का लाइक करिया बतैया कमेंट वा की कैसा लगलो वीडियो, तो अनामिका जी हमने चल रही है हम प्रणाम करे यही कहे चाहिए कि बेटी नहीं जन्मेबा तो पुतहु कहाँ से लेबा। चलो जय भीम जय भारत।